हम खबर आ रही कर लेते हैं। पंजाब भर में रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है, जराए का ये कहना है, और वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी है। पंजाब हुकूमत ने अमन अमान के क्याम के लिए रेंजर्स की मदद मांगी थी। फहद चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे बात करेंगे। फहद बताइएगा डिटेल्स। जी देखिए, आज वफाकी काबीना की जानिब से ये दूसरी अहम मंजूरी है। जरूरी है, बलोचिस्तान में पाक फौज की तैनाती के बाद पंजाब भर में रेंजर्स की तैनाती की समरी भी वफाकी काबीना ने मंजूर कर ली है। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे में अमन अमान के क्याम के लिए रिक्वेजिशन भिजवाई गई थी कि सूबे भर में रेंजर्स को तैनात किया जाए, जिसकी सर्कुलेशन के जरिए काबीना ने मंजूरी दे दी है। और इससे कबल आपको याद होगा कि आर्टिकल 245 के तहत ऑलरेडी पंजाब में पाक फौज भी तैनात है, लेकिन वो सरकारी अहम इमारतों की हिफाजत के लिए है। ये सूबे भर में इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत रेंजर्स को तैनात करने की मंजूरी दी गई है, अमनो अमान बरकरार रखने के लिए और दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर पाकिस्तान रेंजर्स जो है पंजाब रेंजर्स वो तैनात की जाएगी सुबह भर में। जी ठीक है जनाब, सारी सूरत हाल से आप आग रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। सिलसिला जारी है।